फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है दशहरा, और तो दशहरा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 10 बजने वाला है, तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है और पूजा भी मैंने मॉर्निंग में कर ली थी, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरी पूजा हो गई है और मैंने ये देखिए मेरे इस तरह के हो रहे थे, इस बार जो ज्वार है ना ऐसी हुई है। और आज दशहरा है तो हमारे यहाँ दशहरा तो नहीं पूजता है, लेकिन ये ज्वारे जो है मैं तोड़ करके यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए सब। तो बस ऐसे ही दशहरे में पूजा कर लिए और बस अब चौकी हटा दूंगी। तो चौकी को मैंने हिला दिया है, लेकिन अभी हटाऊंगी बाद में। तो बस हो गई है दशहरे की पूजा आज, और बाद में इसको हरेले को उठा करके बच्चों की बुक की अलमारी में और किचन में रख देती हूँ। और उसके बाद जो पूजा का चढ़ाया हुआ सामान है उसे हम विसर्जित कर देंगे, गमले में डाल देंगे। यहाँ पे देखो, आंटी जी ने रखे हुए हैं, ये दशहरा पूजन किया है उन्होंने, और हमारे यहाँ तो होता नहीं है ना, तो ये आंटी जी ने कर रखा है। देखिए किस तरह से कर रखा है, ये क्या क्या बोलते हैं आंटी ने, कोलियाँ रख रखी हैं, इनमें अनाज और प्रसाद भर रखा है। और देखिए इनकी कितनी प्यारी ज्वारे, देखिए आप कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया, देखा होगा आपने, शायद नहीं देखी होंगी इस तरह की ज्वारे, देखिए कितनी एकदम से पीली बिल्कुल गोल्ड है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके घर होती है इतनी पीली बिल्कुल गोल्ड ज्वारे। चलो आंटी ठीक है, आते हैं शाम को, है ना? अरे नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो आंटी ठीक है, नमस्ते आंटी। शाम को आ जाओगे? हाँ, शाम तक आ जाएंगे हम। क्रांति थोड़ी आएगी फिर शाम को? नहीं, हमारे घर तो कोई वो ही नहीं है, मतलब बर्तन मांजी गई वो, है ना? ठीक है आंटी। तो मैं नीचे आई थी तो आंटी दिख गई, तो इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और हम लोग जा रहे थे, मैके जा रही थी मैं पापा से मिलने, तो दशहरा देखने तो हम नहीं जा रहे थे, पापा की थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी, छुट्टी भी थी, तो फिर इसलिए सोचा कि चलो पापा से मिल करके आ जाते हैं और सब लोगों से मिलना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले हम आ गए थे बड़े भैया के यहाँ, बड़े भाई और छोटे भाई एक जगह रहते हैं, तो भैया बच्चे यहाँ पर आने की जिद कर रहे थे, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। कोई वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि फिर जल्दी हमें पापा के पास भी मिलने जाना था, तो इस चक्कर में फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ भाभी ने खाना भी बना लिया था, ब्रेकफास्ट हम पहले कर चुके थे, सब लोग खाना खा चुके थे, बस बाद में मैं और भाभी खा रहे थे। क्या खा रहे हो देव? मेरे को भी खिला दो। हम लोग अभी आ गए हैं भैया के घर से, और ये छोटे वाले भैया भाभी भी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पापा के यहाँ। अभी यहाँ पर थे और अब सब लोग जा रहे हैं अपने दादी से मिलने। आप क्या कपड़े पहन रहे हैं? मौसम कितना गर्म हो गया अभी। चलो तो मैं अच्छी सीट मिल गई, डिग्गी में बैठा दो इसको, है ना? और ये देखो यहाँ बैठी है, तो सब लोग आराम से बैठ गए कंफर्टेबल होकर के। दुर्गा माँ के विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं मूर्ति। गाड़ी में भी म्यूजिक चला रखा है बच्चों ने, और यहाँ पर बाहर भी देखे जो ये दुर्गा जी को की मूर्ति को लेके जा रहे थे, तो यहाँ भी म्यूजिक चल रहा था, तो यहाँ पर फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं अब।
तो यहाँ पर छोटी भाभी, भैया और बच्चे हमारे साथ जा रहे थे गाड़ी में, और बड़े भैया, भाभी और उनके बच्चे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, तो कोई भी दशहरा देखने नहीं गया। तो सब लोग कह रहे थे चलो हम भी चल रहे हैं, पापा से मिल के आएंगे। सब लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, बाबा जी से मिलने जा रहे हैं, ये अपने नाना जी से मिलने जा रहे हैं, मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। तो हम आ गए थे यहाँ मम्मी के यहाँ, और यहाँ पे बेटी देखो आइसक्रीम खा रखी है, तो उसने जीभ उसकी रेड हो गई थी, तो वो दिखा रही थी बिल्कुल काली माँ बन गई। अच्छा, मेहंदी लगवाओगे अब? शाम हो रही है, शाम के मतलब मौसम कैसा हो गया ना, शाम के 4:30 बजे ना लग रहा है ना कि जैसे अंधेरा सा हो रहा है। चलो चलो तुम चलो, तो यहाँ पापा और भैया बैठे हुए हैं, तो मैं पापा के साथ थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। पापा की तबीयत सही नहीं रह रही है आजकल, तो और बहुत कमज़ोर भी हो गए हैं, तो बस मन कर रहा था पापा से मिलने को, छुट्टी थी तो बच्चों के आगे ध्यान रखना। पापा आप ठीक है? ध्यान नहीं रहे, खाना पीना अपना सही कर लो। लगन पापा को ला रही है। जा रहे हैं, कहाँ खड़े हो बेटे? चलो आओ, बहुत शाम हो गई है, रात हो गई है, और हम लोग जा रहे हैं अब घर। तो यहाँ सब दीदी, भाभियाँ और पापा खड़े हैं। चलो, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो हम जा रहे हैं।